हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पोहे बनाने वाले हैं, वो भी एकदम इजी और आसान ट्रिक से, और वो भी एकदम बाज़ार के जैसे खिले खिले पोहे बन के रेडी होंगे और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। इसके लिए हम सबसे पहले पोहे लेंगे, पोहों को हम धो लेंगे और इनका सारा पानी निकाल देंगे। अब इसमें एक चम्मच शक्कर ऐड करेंगे और एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे। इसी जगह हमें ध्यान रखना है, यही ट्रिक है जो एकदम मार्केट जैसे पोहे एकदम खिले खिले पोहे बनते हैं, इसे हमें अच्छे से मिलाना है। चला के हमें इसे एक साइड में रख देंगे। अब हम राई और साबुत मिर्च लेंगे, थोड़ी सी सौंफ, कटा हुआ प्याज, टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च। अब पोहे को एक बार और हिला देंगे और साइड में रख देंगे। अब हम कढ़ाई लेंगे, इसे गर्म करेंगे। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, तेल को हम थोड़ी देर गर्म होने देंगे। अब हम इसमें सौंफ, राई और साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। इन्हें अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, प्याज को हम फ्राई करेंगे अच्छे से। इन्हें हम तेल में अच्छे से चला देंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, इसे भी हम अच्छे से चला देंगे। अब इसमें थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे, इसे बाजार जैसा पोहे का कलर देने के लिए। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, इसे भी हम अच्छे से चला देंगे। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे आधा चम्मच, क्योंकि हमने पहले पोहे में नमक यूज़ किया था, तो यहाँ पर हम कम नमक डालेंगे। अब इन्हें अच्छे से चला देंगे, सब्जी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी तब तक। अब ये रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर पोहे डालेंगे जो हमने सोक करके रखे थे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारे पोहे बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। हम थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज और टमाटर अलग से कट करके रख लेंगे, उससे हम इसे गार्निश करेंगे। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे पोहे बिल्कुल रेडी, एकदम स्ट्रीट स्टाइल बन के रेडी है। आप इसे सॉस के साथ खाइए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने में। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।